पॉट स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री पॉट्स। एक समय की बात है, तीन बर्तन थे। ईच पॉट्स वॉज मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, केली ब्रेस एंड गोल्ड। हर बर्तन अलग सामग्री से बना था, मिट्टी पीतल और सोना। द पॉट्स वर फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। बर्तन मित्र थे और साथ रहते। वन डे दे हैड अ डिस्कशन अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक दिन उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में चर्चा की। द केली पॉट सेड, आई एम द वीकेस्ट बट आई एम ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल। मिट्टी के बर्तन ने कहा, मैं सबसे कमज़ोर हूँ लेकिन मैं सबसे सस्ता भी हूँ। द बेरिस पॉट रिप्लाइड, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू बट आई कैन रन इट ओवर टाइम। पीतल के बर्तन ने जवाब दिया, मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ लेकिन समय के साथ धुंधल हो सकता हूँ। द गोल्ड पॉट प्राउडली सेड, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल। सोने के बर्तन ने गर्व से कहा, मैं सबसे मजबूत सबसे कीमती हूँ। वन डे अ ग्रेट फ्लड केम, एक दिन बड़ा बाढ़ आया। द केल पॉट फ्लोट ऑन द वाटर बट क्रैक, मिट्टी का बर्तन पानी पर तैर गया लेकिन डूब गया। द ब्रॉन्ज पॉट ऑल्सो फ्लोट बट बिकम ट्रेनिस्ट, पीतल का बर्तन भी तैर गया लेकिन धूमिल हो गया। द गोल्ड पॉट स्नैक द गो टू द बॉटम ड्यू टू इट्स वेट, सोने का बर्तन अपने वजन के कारण नीचे डूब गया। आफ्टर द फ्लोट ओनली द ब्रॉन्ज पॉट रिमाइंड यूजेबल, बाढ़ के बाद केवल पीतल का बर्तन उपयोगी करने योग्य रहा। द पॉट्स लर्न द एवरी वन हैज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बर्तनों ने सीखा कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियाँ होती है। द रियलाइज दैट बींग स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट, उन्होंने समझा कि मजबूत या कीमती होना हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। दे डिसाइड टू अप्रोसिएट इच अदर्स क्वालिटीज एंड लिव हैप्पीली टुगेदर, उन्होंने एक दूसरे की विशेषताओं की सराहना करने और खुशहाल साथ रहने का फैसला किया।